वैलेंटाइन डे हर एक साल 14 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन ये प्यार का दिन और ये प्यार के दिन की शुरुआत एक हफ्ते पहले से ही हो जाती है। लोग जो भी प्यार में हैं या फिर प्यार को मानते हैं, वो इस हफ्ते को ना बहुत ही अच्छी तरह मनाते हैं अपने कपल के साथ। वैसे आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत 7 फरवरी से ही हो जाती है और पूरे हफ्ते में बहुत अलग अलग नाम के साथ उन दिनों को मनाया जाता है। तो चलिए पूरा सिलसिला हम बताते हैं कि किस तरह से किस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि आप भी अच्छे से इसे सेलिब्रेट कर सको। और हाँ, हर एक दिन की अलग अलग मान्यता है और हर एक दिन लोग अलग अलग चीज़ें क्यों करते हैं, उसकी भी जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जी हाँ, कमेंट बॉक्स पे अपना नाम ज़रूर लिखना और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हो। सबसे पहला दिन यानी 7 फरवरी, जहाँ से इस फेस्टिवल की शुरुआत होती है, जिसे हम कहते हैं वैलेंटाइन डे। पहले दिन यानी 7 फरवरी को हम मनाते हैं रोज़ डे की तरह। जी हाँ, इस दिन कपल एक दूसरे को रोज़ देते हैं और उन्हें स्पेशल फील करवाते हैं, क्योंकि गुलाब का फूल प्यार का प्रतीक माना जाता है। तो इस वजह से गुलाब के फूल एक दूसरे को देते हैं और बुके, कोई तो सिंगल फूल जैसे जिसकी इच्छा होती है, लेकिन स्पेशली लोग इस दिन रेड रोज़ ही देना पसंद करते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि अलग अलग रोज़ के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, और कुछ रोज़ जो प्यार के प्रतीक होते हैं, कुछ दोस्ती के और कुछ रिश्ते को आगे बढ़ाने के। तो कौन से रोज़ होते हैं जो आपको पता है कि किस दिन कौन सा रोज़ दिया जाता है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। और जी हाँ, अपने पार्टनर को और अपनी प्यार को ज़रूर से ज़रूर गुलाब का फूल दें और रोज़ डे सेलिब्रेट करें। नंबर 2 यानी सेकेंड डे, जो होता है प्रपोज डे, यानी 8 फरवरी। 8 फरवरी को मनाते हैं हम प्रपोज डे, जहाँ पे प्रस्ताव रखा जाता है, प्रपोज किया जाता है। तो इस दिन कपल एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और इस दिन काफ़ी कपल्स की तो बात भी बन जाती है। जी हाँ, उनके प्यार की कहानी जो शुरू हो जाती है। 9 फरवरी यानी कि आपका चॉकलेट डे। जी हाँ, इस दिन कपल एक दूसरे को चॉकलेट्स देते हैं और अपने प्यार की मिठास को एक दूसरे में खोलते हैं। रिश्ते में प्यार होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जी हाँ, प्यार में मिठास तो चॉकलेट से ही आएगा ना, क्योंकि लड़कियों को चॉकलेट्स काफ़ी पसंद है और सबको चॉकलेट्स तो पसंद होते ही हैं, इसलिए कपल एक दूसरे को चॉकलेट्स देते हैं। और जी हाँ, बहुत सारी बधाइयाँ भी। 10 फरवरी यानी टैडी डे, इस दिन लोग एक दूसरे को टैडी देते हैं। स्पेशली गर्ल्स को टैडी काफ़ी पसंद है, टैडी बियर क्यूट सा। जी हाँ, अलग अलग तरीके के टैडी बियर्स होते हैं, किसी किसी में तो टैडी के नाम के साथ उसके मैसेज भी आजकल भेजने का रिवाज है, यानी कि आप एक कस्टमाइज टैडी भी बना सकते हो और उसे स्पेशल वन को सेंड कर सकते हो। तो जी हाँ, टैडी डे एक दूसरे को देते हैं। 10 फरवरी का दिन होता है जिस दिन टैडी डे मनाया जाता है। 11 फरवरी का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है प्रॉमिस डे। जी हाँ, एक दूसरे को एक प्यार का वादा, साथ निभाने का वादा। 11 फरवरी को प्रॉमिस डे की तरह कपल्स सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को प्यारा सा प्रॉमिस करते हैं। 12 फरवरी यानी कि हग डे, गले मिलने का दिन, जिस दिन एक दूसरे को कपल हग करते हैं और अपने प्यार का एहसास करवाते हैं। एक दूसरे से वो कितना प्यार करते हैं, उसे गले लग के वो महसूस करते हैं और करवाते हैं। तो हग डे आपको बता दूं कि 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 13 फरवरी जिसे सेलिब्रेट किया जाता है किस डे, जी हाँ, अपने प्यार को किस करके। और इस दिन किस डे में काफ़ी कपल एक दूसरे को किस करते हैं और जी हाँ, किस डे सेलिब्रेट करते हैं। और अगला दिन यानी कि 14 फरवरी, जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट डे, वो है आपका वैलेंटाइन डे, जिस दिन लोग एक दूसरे को फाइनली एक दूसरे के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं और अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं अपने प्यार के साथ, पूरा दिन सेलिब्रेट करते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। सबके अनोखे तरीके हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है वो होता है वैलेंटाइन डे। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और आपने ये सारे दिन में से सबसे इम्पॉर्टेंट डे आपके लिए कौन सा है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखना। और जी हाँ, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और वैलेंटाइन डे बहुत ही प्यार के साथ सेलिब्रेट करो। थैंक यू सो मच।